हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस जे मोटर्स। टीवीएस राइडर करीबन 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे ये गाड़ी को लॉन्च हुए, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्या नया है, क्या कुछ खास है, वो सारी डिटेल में आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके 360 व्यू से। लुक वाइज कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, वही सेम आपको मिल रहा है, मगर एक वेरिएंट का इंट्रोड्यूस हुआ है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये पहले इसका येलो कलर में 360 व्यू देख लीजिए, ये SX वेरिएंट आप देख रहे हो। अब इसका ब्लू कलर है, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स का यूज़ नहीं किया गया है, प्लेन डिज़ाइन फिलोसोफी का यूज़ करके पूरा गाड़ी तैयार किया है TVS ने। हेडलैम्प कुछ इस तरह का लगता है। मेरा एक फेवरेट यूट्यूबर है जिसके पास ये मोटरसाइकिल है, उसने उसका नाम मक्खी रखा है, और वो काफ़ी सूट भी करता है क्योंकि ये हेडलैम्प्स है, वो मक्खी जैसी आंखें दिख रही है इसकी। जब इसके DRL ऑन होते हैं तब हाई बीम लो बीम ये सारे इधर से आपका हाई बीम लग जाता है, लो बीम आगे ऊपर के दोनों लैम्प से लग जाता है। पेटल डिस्क ब्रेक मिलती है, सिंगल सीट स्प्लिट सीट दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। वेरिएंट के अंदर आपको ये सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। अब इसका SSE वेरिएंट जो अभी फिलहाल इंट्रोड्यूस हुआ है, एवेंजर्स टाइप का, इसमें आपको इंसर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर ग्राफिक्स है, ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है अभी, और रेड कलर में भी अवेलेबल है। तो ये कुछ फंकी लुकिंग के साथ यंगस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है SSE TVS राइडर SSE। अब इसका स्प्लिट सीट वेरिएंट भी देख लेते हैं, वो काफ़ी कुछ सिमिलर है SX से ही। SX में आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, स्प्लिट सीट में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ ऑडोमीटर का ही फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। यह है इसका येलो कलर, इसके बाद ये है दूसरा कलर ब्लू, फिर रेड कलर। ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा, पूरा वीडियो इन तक देखिए, आपको स्पेसिफिकेशन और प्राइस, टॉप स्पीड, माइलेज क्या रहेगी, ये सारी डिटेल में आपको आगे बताता हूँ। अब ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, सिंगल सीट वेरिएंट, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक का भी प्रोविज़न आता है। मेरे ख्याल से 99% श्योर नहीं हूँ, कमेंट करके बताओ अगर आपके पास डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल सीट का वेरिएंट है या नहीं। और ड्रम ब्रेक का भी वेरिएंट मिलता है, मगर ड्रम ब्रेक मैंने आज तक मार्केट में देखा नहीं है, तो हो सकता है TVS ने प्रोड्यूस ही नहीं किया है, या फिर बुकिंग पर ही वो प्रोड्यूस करता है, वो मालूम नहीं है। वैसे ये मोटरसाइकिल का वेटिंग पीरियड भी रहता है, आप जब भी शोरूम में जाओगे तो ऑन द स्पॉट बहुत ही रेयर शोरूम में आपको डिलीवरी देखने को मिल जाएगी। और इसमें सिंगल सीट में आपका ये दूसरा कलर है ब्लैक। सिंगल सीट वेरिएंट लेते हो तो फैमिली, अगर आप में पति पत्नी और आपका छोटा बच्चा है तो वो आसानी से इसमें फिट हो जाएगा। आपको पीछे साड़ी गार्ड भी मिल जाएगा, लेडीज पुश फुट रेस्ट भी मिल जाएगा, पिलियन के लिए अच्छा खासा ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है। वैसे कहने तो ये स्पोर्ट मोटरसाइकिल है, मगर पिलियन के भी के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि ड्राइविंग पोजीशन कुछ इस तरह से, पीछे तो आपके फुट पैक जाएंगे, 5-speed का गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा, और आपका हैंडल बार थोड़ा अपराइट रहेगा जिससे आपको कम्फर्ट भी प्रोवाइड होता रहेगा। पीछे का टायर थोड़ा वाइड रहेगा, इसके उसका कितना वाइड है, क्या टायर का साइज़ है, वो मैं आपको डायमंड्स और स्पेसिफिकेशन में दिखाता हूँ। और इसके फीचर्स देख लेते हैं, स्टाइल देख लेते हैं। तो SX वेरिएंट में आपको स्टाइल में आगे का हेडलैम्प, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू में कह सकता हूँ, किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा, कमेंट करके बताओ आपको TVS राइडर का ये फ्रंट लुक पसंद है या नहीं। जैसे TVS राइडर को डेवलप किया है, थोड़े बहुत BNL लिए है इसने अपाचे सीरीज से, और परफॉर्मेंस भी उसी तरह ही वो आउटपुट दे रहा है, क्योंकि 125cc में जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है ये मोटरसाइकिल की, TVS की, तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडियन मोटरसाइकिल मैं मान सकता हूँ। वैसे KTM 125 की भी आप बात कर सकते हो, मगर मैं इसको कॉम्पीट करता हूँ NS के साथ, तो NS थोड़ी इससे ज़्यादा पावरफुल है,
मगर ये भी कुछ कम नहीं है, ये पूरा पैकेज आपको मिलेगा, स्टाइल उसके साथ, परफॉर्मेंस उसके साथ, माइलेज भी आपको मिलेगी, जबकि NS में आपको माइलेज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये आपने देख लिया इसके सेफ्टी फीचर्स, ये सारी चीज़ें। अब हाँ सॉरी, मैं पूरा आपको दिखाना भूल गया, SX वेरिएंट से ही शुरुआत करता हूँ, शुरू से शुरुआत। ये इसका स्टाइल, फिर इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी लास्ट ईयर ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है TVS की तरफ से, और ये ऑप्शनल है। नॉर्मल ऑडोमीटर भी आपको मिलेगा, और ये इसमें थोड़े फीचर्स एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें आपको इको मोड और स्पोर्ट मोड, दो मोड मिल जाएंगे, और इंजन का आउटपुट वो हिसाब से आपका ऊपर नीचे होता रहेगा। यानी अगर आप इको मोड लगाओगे तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा, और स्पोर्ट मोड लगाओगे तो आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी। रियर आपको मोनोशॉक अब्जॉर्बर मिल जाएगा, 5-स्टेप एडजस्टेबल रहेगा, और सेफ्टी में आपको आगे पेडल डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, और सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम इसमें भी आपको मिल जाएगी। और सीट के नीचे आपको थोड़ा बहुत माल सामान आपको अगर रखना है तो वो भी आप रख सकते हो, जैसे टूल्स वगैरह होगी, या फिर इंश्योरेंस और मोटरसाइकिल के पेपर्स की कॉपीज आपको रखना है तो वो सारी चीज़ें आप इधर रख सकते हो। फर्स्ट एड किट भी आप रख सकते हो। और स्प्लिट सीट में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम फीचर्स ही मिलते हैं, सिर्फ फर्क रहता है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से जब TVS राइडर लॉन्च हुई थी वही सेम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। एक अच्छी बात है कि 125cc में TVS की ये साइलेंट स्टार्ट मोटरसाइकिल मिल जाएगी आपको, जो आपको TVS स्पोर्ट, सिटी, रेडर, वो गाड़ी में आपको वो फंक्शन नहीं मिल रहा था। TVS XL में इंट्रोड्यूस हुआ था और TVS राइडर में भी अवेलेबल है, जो होंडा साइन के साथ कम्पीट कर सकता है, होंडा साइन SP, उसमें भी आपको साइलेंट स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसके जैसे जैसे मुझे मालूम पड़ता है वो सारे फीचर्स आपको आगे आगे बताता रहता हूँ। ये बाइक के फीचर्स से सबसे पहले SX से ही शुरुआत करते हैं, स्प्लिट सीट बाद में जाएंगे, वो ऑलमोस्ट सेम ही है सारी चीज़ें। स्पोर्ट की विकेट लुक, जो इसका नाम दिया है वो लुक है, लुक काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसीलिए ये गाड़ी इतनी अच्छी बिक रही है। वैसे TVS ने आज से 12-15 साल पहले भी सेम इंजन के साथ एक मोटरसाइकिल लॉन्च की थी, वो ज़्यादा मार्केट में कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उसके लुक काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे, और उसका और बजाज का तब पंगा हो गया था DTSI टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आप कमेंट करके बताओ कौन सी मोटरसाइकिल है, सही मोटरसाइकिल का नाम जिसका भी होगा मैं उसको पिनअप कर दूंगा। दूसरी चीज़, इसमें आपको वही सेम 3-वाल का इंजन मिलता है, मगर DTSI नहीं मिलता, सिंगल स्पार्क प्लग मिलेगा, और इसमें एक अलग से टेक्नोलॉजी है ऑयल कूलिंग की, जो एयर के थ्रू सर्कुलेट करके, वो इंजीनियरिंग बहुत ही बढ़िया है, और इससे आपको लंबी मुसाफरी में आपका इंजन ज़्यादा हीट नहीं होगा। यानी आप समझ लो 80 किलोमीटर में हीट हो जाता था, वो अब 110-120 किलोमीटर तक आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। और इसके अलावा तो ये सारे रिव्यूज़ है जो आपको YouTube पर भी मिल जाएंगे, जिस तरह से मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। अभी इसकी एक एप्लीकेशन जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको मिलती है, एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट पावर्ड बाय TVS कनेक्ट ऐप है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे नेविगेशन हो गया, वॉइस असिस्टेंट, लाइव डैशबोर्ड रहेगा, सोशल मीडिया शेयरिंग आप कर पाओगे, आप अपनी राइडर को किस तरह से ड्राइव करते हो उसका लैप है, उसकी परफॉर्मेंस को आप सोशल मीडिया पर शेयर कर पाओगे। नेविगेशन जैसे मैंने आपको बताया, आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन मोबाइल से कनेक्ट करके आप TVS राइडर का अगर मोबाइल को चार्ज भी करना है तो आप चार्ज भी कर पाओगे, एक तरह से आप बोल सकते हो एंड्रॉयड या एप्पल कार प्ले तरह ही आपका ये मोबाइल काम करेगा,
अगर आपको आप मोबाइल है होल्डर लगा देते हो मोटरसाइकिल पर, और यूएसबी से आप इसको पावर चार्ज करते रहो, तो सारी डिटेल्स आपकी मोबाइल फ़ोन पर भी मिल जाएगी। वॉइस असिस्ट सिस्टम भी आपको मिलेगा। आपकी अगर मान लो कुछ भी वॉइस कमांड देख करके आपको जानना है ऑडोमीटर में कि किसका मिस कॉल था, किसी को कॉल करना है, क्योंकि इसमें नया जो नया SX वेरिएंट है इसके अंदर जो ऑडोमीटर मिल रहा है उसमें ये सारे फीचर्स ऑडोमीटर के अंदर मौजूद है। नेविगेशन भी आप सेट कर पाओगे, ऑडोमीटर की ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। इसे बहुत सारे फीचर्स है, 20+ वॉइस प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएंगे जिससे आप अपनी मोटरसाइकिल को वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर पाओगे। बहुत सारे फीचर्स नए हैं, चलाने को तो आपको ही चलाने का रहेगा, वो ऑटोमेटिक AI के थ्रू तो नहीं चलेगी। ये है लाइव डैशबोर्ड, इसमें आप अपने RPM कौन सी स्पीड पर जा रही है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है और कितना टाइम लिया है, ये पूरा आप एक रिपोर्ट कर बना सकते हो और उसको ट्रैक भी कर पाओगे। और ये आपकी राइडिंग डिटेल्स रहेगी, जो आप अगर मोटरसाइकिल आपकी फैमिली में कोई और भी चला रहा है तो आपको मालूम पड़ता रहेगा कि कौन से टाइम पर कहाँ पर ये मोटरसाइकिल गई थी। तो थोड़ा बहुत फैमिली में झगड़ा भी हो सकता है, आपके पीछे किसी ने मोटरसाइकिल घुमाई होगी, मगर ये एक ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सही फीचर है, क्योंकि अभी सारी जगह पर डिजिटल AI कैमरा लग गया है जिससे अगर आप ओवर स्पीडिंग करोगे या हेलमेट नहीं पहना तो आपको ऑटो चालान आ जाएगा। तो ये चालान से बचने के लिए और ट्रैक करने के लिए कहाँ पर किस जगह पर किसने किस टाइम पर गलती की है वो आप ट्रैक कर पाओगे, ये फीचर्स तब काम लगेगा। और ये आपका जो भी राइडिंग रिपोर्ट रहेगा वो आप सोशल मीडिया पर भी आसानी से शेयर कर पाओगे। और बाकी बाइक की ओवरऑल हेल्थ, क्या उसमें प्रॉब्लम है कुछ भी, ये सारी डिटेल आप ऐप के थ्रू एक्सेस कर पाओगे, उसके सारे डेटा भी एक्सेस कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन मैंने अलग टैब में खोल के रखी है। SX वेरिएंट से शुरुआत करते हैं, SX वेरिएंट आपको एक शोरूम प्राइस बताऊँ या चलो आज मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ। ऑन रोड प्राइस आपकी दिल्ली में अप्रोक्सीमेट 1,20,135 की रहेगी SX वेरिएंट अगर आप परचेस करते हो तो। फिर SSE वर्जन वेरिएंट, जो हमने ग्राफिक्स वाला वेरिएंट देखा था ब्लैक और रेड कलर में, उसकी प्राइस पड़ेगी आपको 1,16,342 रुपये ऑन रोड अप्रोक्सीमेट न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली दिल्ली में। स्प्लिट सीट वेरिएंट आपको 1,12,000 रुपये का ऑन रोड दिल्ली में हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। और सिंगल सीट वेरिएंट अगर आप लेते हो तो 1,11,836 रुपये का ऑन रोड रहेगा। ये बाइक में आपको बेस्ट इन क्लास पिकअप मिलेगा जो 0 to 65.9 सेकंड में अचीव कर लेता है। चलिए अब इसके साथ ही हम इसके स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं इंजन से। इंजन आपको 124.8 CC का मिल जाएगा, जो जिसमें आपको थ्री वाल्व मिल जाएंगे, एयर कूल रहेगा, ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर आपका इंजन रहेगा। ऑयल कूल्ड में आपको किस तरह से दिखाऊं, यहाँ पर है, हाँ देखो ये TVS का जो लोगो लगा हुआ है वो पैनल के पीछे एक गैप है जहाँ से एयर पास होता है, और उधर एयर पास होने की वजह से जो गाड़ी के अंदर का ऑयल पंप रहता है वो पंप इस झाली से ऑयल को कंटिन्यूस निकालता रहता है। तो जो ऑयल उधर से पास होता है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है ड्यू टू एयर, और वो वापस इंजन में चला जाता है। तो एयर के थ्रू इंजन ऑयल को ठंडा किया जाता है इस टेक्नोलॉजी से, और काफ़ी मेंटेनेंस फ्री टेक्नोलॉजी है, और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद लगी, पसंद आई। ये सारी गाड़ी में देना चाहिए TVS को। और दूसरी, अगर ये कॉपीराइटेड मटेरियल है तो फिर हम आप दूसरी गाड़ी को भी परमिशन देना चाहिए, भले थोड़ा पैसा कमा लो, मगर सब गाड़ी में मिलता है ऑयल कूलिंग सिस्टम इस तरह से, तो
सबको पसंद आएगा। अब बोर की बात कीजिए तो 53.5 mm का बोर मिलेगा, स्ट्रोक 55.5 mm का मिलेगा और टॉर्क मिलेगा आपको 11.2 Nm का और ऑलमोस्ट 11.02 या 08 जैसा इसका हॉर्स पावर रहेगा, एग्जैक्ट मालूम नहीं, अगर 8.37 kW इधर लिखा हुआ है तो 7500 RPM पर आपको मैक्सिमम पावर मिल जाएगा और टॉर्क आपका मैक्सिमम 6000 RPM पर डिलीवर हो जाएगा। 5-speed का गियर बॉक्स रहेगा, 1 down and rest of up ये पैटर्न में। अब ये गाड़ी माइलेज कितना निकालती है, नॉर्मल कंडीशन में अगर फुल ट्रैफिक वाला सिटी है आपका तो 55 टू 65 के बीच में आपका, अगर आपका वेट भी ज़्यादा है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला है तो 55 से 60 के बीच में आपको माइलेज मिल जाएगा, सिटी की बात कर रहा हूँ। और एकदम एक्सट्रीमली आप रफ गाड़ी चला रहे हो तब भी आपका 45 से नीचे नहीं जाएगा, यानी आप 90 प्लस स्पीड में आप गाड़ी को चला रहे हो फिर भी आपका 45 से डाउन नहीं जाएगा। और निकालने वाले ने तो ये मोटरसाइकिल से 90 km/L का भी माइलेज निकाला है, मगर एवरेज अगर आप प्यार से चलाते हो तो 70 km/L का मैं मान सकता हूँ आपको माइलेज निकाल के देगी। डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स, ड्राइविंग किस तरह से करते हो और आपका सिटी किस तरह से, यानी खुले रोड और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो आपको अच्छा खासा माइलेज निकाल के देगी। अब इसी के साथ ही हम चेसिस की बात कर लेते हैं। चेसिस में आपको लेंथ मिल जाएगी 2070 mm की, ओवरऑल हाइट मिल जाएगी 1028 mm की, ओवरऑल विड्थ मिल जाएगी 785 mm की, व्हील बेस आपका 1326 mm का रहेगा, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का रहेगा और कम वेट 123 kg का रहेगा। सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, रियर में आपको मोनोशॉक अब्सॉर्ब गैस चार्ज रहेगा जो 5-step एडजस्टेबल भी मिल जाएगा। टायर्स आपने फ्रंट में 80x100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा और रियर में आपको 100x90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। ब्रेक में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, पहले आपको बताया एक डिस्क मिलता है, एक ड्रम मिलता है। ड्रम मैंने आज तक देखा नहीं है, अगर आपने देखा है, अगर आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं वो प्राइस कितना हुआ और हो सके तो फोटो वगैरह भी शेयर कर लीजिए मेरे साथ। मैं अपना ईमेल आईडी अबाउट सेक्शन में रखा हुआ है, उधर से आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं कम्युनिटी में आपके नाम से शॉर्ट आउट दे दूँगा। तो फ्रंट में आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, अगर आप ड्रम वेरिएंट लेते हैं तो 130 mm का ड्रम देखने को मिल जाएगा फ्रंट में। रियर में आपको दोनों में 130 mm का ही ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा जो सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलेगा। इसी के साथ इलेक्ट्रिकल बात करें तो 12 volt 4 ampere की आपको मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिलेगी। फ्रंट हेडलैम्प और टेल लैम्प सारे आपके LED में रहेंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपकी 10 लीटर की रहेगी। इंजन ऑयल क्वांटिटी आपकी 1000 ml की रहेगी, यानी 1 लीटर की रहेगी। और इंजन ऑयल ग्रेड आपका रहेगा 10W30 का 40 ऑयल रहेगा इसके अंदर, ये आप यूज़ करके TVS राइडर को चला सकते हो। अब इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो करीबन 110 से 112 km/h की स्पीड ये आसानी से अचीव कर लेगी। और जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब पर, उन लोगों के पास TVS राइडर भी है और निचोड़ दिया है, अच्छी तरह से निचोड़ दिया है, उन लोगों को मेन 4-6 lane highway पर 115 तक का भी स्पीड दे निकाल के दिया है। तो वो हवा पर डिपेंड करता है, हवा किस तरह से आ रही है और आपका रोड की कंडीशन कैसी है, आपका वजन कितना है, मगर 110-112 की एक्सपेक्टेशन करके चलो। वैसे ज़्यादा स्पीड में चलाने में कुछ फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है, इंजन को भी नुकसान है, आपकी ज़िंदगी को भी नुकसान है। तो आराम से चलाओ गाड़ी को, इंजॉय करो अपने सफ़र को, इंजॉय करो। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ। मिलता हूँ अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।